आज 2023 के आखिरी महीने के पहले दिन पे एनिमल आउट हो चुकी है। इस वीडियो में हम सब बात करेंगे, क्या ये ओवर हाइप थी, डायरेक्टर कुछ ज्यादा ही हाइप बना रहा था, या फिर लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी उसको ये मूवी डिलीवर करती है। अब ये 3.5 घंटे की मूवी को मैं ग्लिम्स में बताना हो तो ब्रूटल जो ट्रेलर में हमें पहले ही दिखाया था, इमोशनल काफी जगह पे और एंड में कुछ ज्यादा ही हो जाता है। देयर आर अ लॉट ऑफ कॉमिक सीन्स। यस, ट्रेलर देख के मुझे लगा था ये काफी सीरियस मूवी होगी, बट इसमें कॉमिक सीन्स काफी ज्यादा है। अभी मैं फोर्स्ड कॉमेडी का बात नहीं कर रहा जो कि पूरी मूवी का फ्लो बिगाड़ देती है, लेकिन जोक्स काफी स्मार्ट थे और सेंसिबल भी। अब देखो, मैं कैसा बंदा हूँ जो जेन्युइनली काफी कम हंसता है, मतलब एकदम रेयर केसेस में हंसता हूँ मैं, तो डेफिनेटली सारे जोक्स तो मेरे पे वर्क नहीं किए, बट ऑडियंस थिएटर में काफी हंस रही थी, जिससे मुझे याद आया कि भाई इस बार एक हाउसफुल शो में बैठा था मैं अपनी पास वाली मॉल में गया था सुबह के 9 बजे के शो के लिए और काफी ज्यादा लोग आए थे। मूवी की सबसे अच्छी बात है कि दिस इज द लॉन्गेस्ट आई हैव बीन इन अ थिएटर। 3.5 घंटे की मूवी है बट इतनी सीमलेस है कि तुम्हें फील नहीं होता। मूवी में हार्डली एक सीन है जहां पे मुझे लगता है कि यार अब वो स्टोरी को ज्यादा ड्रैग कर रहे हैं या फिर ये बोरिंग हो चुका है। स्पॉइलर्स के बिना स्टोरी का हल्का फुल्का कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं मैं। अनिल कपूर ऑल्सो नोन एज बलबीर, उनका बेटा रणविजय सिंह ऑल्सो नोन एज रणबीर कपूर, रणविजय सिंह लव्स हिज डैड बलबीर इतना कि उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। ऊपर से बलबीर एक ऐसा बंदा है जो वर्कहोलिक है, अपने बेटे को ज्यादा टाइम नहीं देता और उसको कभी अक्नॉलेज नहीं करता। देखो, अपने डैड के लिए नहीं, रणबीर कपूर अपनी पूरी फैमिली को बहुत पसंद करता है। वो समझता है कि वो अपनी फैमिली का अल्फा है जिसे प्रोटेक्ट करना है उन लोगों को। मूवी में एक पास्ट रेफरेंस का सीन आता है जहां पे रणबीर की बहन को कोई छेड़ देता है, तब वो बस स्कूल में था और उसकी बहन कॉलेज में थी। एंड जब वो सीन दिखाया जहां पे वो बुलीज को जाके कन्फ्रंट करता है बट बुलीज उसका मजाक उड़ाता है और उसके बाद भाई मजा आ गया। वन ऑफ द हाईएस्ट पीक कह सकता हूं वो मूवी का था मेरे लिए। देखो, मैं बता तो नहीं सकता क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा, बट भाई गैंगस्टर वाइब। एक चीज और जो काफी नोटिसेबल थी कि टी सीरीज ने डी एजिंग काफी अच्छी की है, मतलब रणबीर कपूर एक्चुअली लुक्स यंग। तो VFX डाला है नहीं डाला मुझे पता नहीं, बट वो काफी अच्छा लग रहा है। डी एजिंग से आया है, उन्होंने एजिंग भी किया जहां पे उन्होंने रणबीर कपूर को 100 साल का दिखाया है। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें ओल्ड रणबीर कपूर का एक ग्लिम्स मिल जाता है। काइंड ऑफ पर्सनली मैं सोचता हूं कि वो डायरेक्टर का मैसेज था वो लोगों को जो बोलेंगे कि ये मूवी टॉक्सिक है, और उनके लिए डायरेक्टर ने एक ही मैसेज दिया है। अब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, दिस इज द लिटरल मैसेज ऑफ संदीप रेड्डी वांगा। तुम्हें टॉक्सिक बोलना है तो बोलो, जो करना है करो, कंट्रोवर्सी जितनी भी करनी करो, टिकट तो बिकेगी और मूवी कमाने वाली है। ट्रेलर में जितने भी एक्शन सीन्स दिखाए वो फर्स्ट हाफ में हो जाते हैं। एंड मैं एक चीज बोलूंगा कि एक्शन सीन्स मुझे काफी अच्छे लगे, ज्यादा चौपी नहीं लगे, मुझे समझ आ रहा है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि उन्होंने बताया कि भाई रणबीर कपूर कोई इनविंसिबल आदमी नहीं है। फाइट के बाद बंदे को काफी चोट लगी, काफी ऑपरेशन हुए। एक छोटी सी डिटेल जो डॉक्टर बोलती कि तुम्हारा डोपामिन बहुत हाई था एक्शन के टाइम, इसीलिए तुम्हें जितनी भी चोट लगी वो तुम्हें फील नहीं हुई। सेकंड हाफ में इंट्रोड्यूस होते लॉर्ड बॉबी और वो गुंगे, गुंगे होता है ना, वेल ही कांट स्पीक, बट उनकी आंखें इनफ है उनके इमोशंस बताने के लिए। जवान में जैसे विजय सेतुपति को अंडर यूटिलाइज किया था, मुझे लगता है बॉबी देओल को भी किया है, क्योंकि लॉर्ड बॉबी के टीजर और ट्रेलर में जितने शॉट्स थे मूवी में भी उतने ही, एक दो ज्यादा होंगे बस। यहाँ पे मुझे कब से लग रहा था कि भाई बॉबी देओल को एकदम छुपा के रख रहे, एकदम कम दिखा रहे ताकि हाइप बिल्ड हो। बट रणबीर कपूर और बॉबी देओल की जो लास्ट फाइट होती है एयरपोर्ट पे और बी प्राक का गाना Goosebumps। वो एंड फाइट सीन देख के लगता है कि हाँ भाई लॉर्ड बॉबी को कहीं ना कहीं तो यूज किया है। फर्स्ट हाफ में मूवी का सोल फोकस रणबीर कपूर की पर्सनालिटी के अराउंड और उसके पापा को किसने गोली मारी। सेकंड हाफ जब स्टार्ट होता है तो थोड़ा इधर उधर डुलने लगता है और मेरी फट गई थी कि भाई अब ये मूवी कोई ब्लंडर ना कर दे। सेकंड हाफ में हमारे सिग्मा थोड़े थोड़े पिघलने लगते हैं, बट फिर पता चलता है कि इट्स ऑल कनेक्टेड टू देयर मेन गोल। अब ये वाला आर्क मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया, उससे ज्यादा तुम बॉबी देओल को थोड़ा सेटअप करते, उसका बैकग्राउंड देते तो ज्यादा मजा आता। बॉबी देओल बोल नहीं पाता क्योंकि उसके फादर ने उसके सामने अपने आप को जिंदा जला दिया, बट हमें उस चीज का एक भी ग्लिम्स नहीं दिया तो हमें पता नहीं भाई वो ट्रॉमा से गुजर रहा है और उसमें कितना गुस्सा भरा हुआ है। इमोशनल सीन्स की बात करें तो मूवी के एंड में भाई अनिल कपूर और रणबीर कपूर का एक अच्छा कॉन्वर्सेशन होता है। नली फाइनली अनिल कपूर भाई अपने बेटे को अक्नॉलेज करता है और सॉरी बोलता है, ही वाज अ फकिंग वर्कहोलिक, अपने बेटे को टाइम नहीं दे दिया और उसके बेटे को उसकी दौलत नहीं चाहिए थी, बस उसके पापा के साथ थोड़ा टाइम चाहिए था। लास्ट में रणबीर कपूर का जो मेंटल ब्रेकडाउन होता है भाई वो काफी इमोशनल था। फाइनली भाई फाइनली जाके उसके पापा ने अक्नॉलेज कर लिया कि उनकी गलती थी। लास्ट में डायरेक्टर ने हिंट दिया कि एनिमल का भी एक यूनिवर्स बन सकता है। एंड मैं बोल रहा हूं क्रेडिट्स रोल होंगे तो थिएटर में ही रुकना, एंड सीन काफी ब्रूटल, मजा आ जाएगा। रश्मिका के कुछ डायलॉग और कुछ पंजाबी डायलॉग बाउंसर गए पूरे, क्योंकि भाई पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं वो लोग। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये मूवी से रणबीर कपूर का भाव बढ़ चुका है भाई, वो पहले एक अच्छे एक्टर थे और अभी बॉलीवुड में आर रेटेड मूवीज का दरवाजा खुलने वाला है। 210 रुपए में दिस वॉज अ पैसा वसूल मूवी। तुम्हें जाना है तो जाके देखो, नहीं तो भाई रुको और देख लेना नेटफ्लिक्स पे। नेटफ्लिक्स पे एक काफी ट्रॉमाटाइजिंग सीरीज थी जो कि मैंने अभी देखी, यहाँ पे वीडियो देख लेना। बाय।